बीवी की जायज ख्वाहिशात का एहतराम करना यह मर्द के लिए जरूरी है। जायज ख्वाहिशात, जायज ख्वाहिशात का मतलब बीवी बोल रही कहीं पर मुझे घूमने जाने का है जी, दिल नहीं लग रहा, लेके जाना। शोहर उसके जायज ख्वाहिशात का पूरा ख्याल रखना। बीवी बोल रही कि नहीं भी कपड़े खराब हो गए, कोई नया जोड़ा दिला दो, पैसे है ठीक है दिला देना, उसकी जो भी जायज है, मेरे को आज गोश्त खाना दिल बोल रहा ला के दे दो, स्वीट खाना दिल बोल रहा ला के दे, यानी जो भी बीवी की जायज ख्वाहिश है उसको पूरी करना यह मर्द के लिए जरूरी है। कैसा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता ना, एक दिन क्या हुआ मालूम है, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से नया नया जब शादी हुई थी, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा दुबली पतली थी, अक्सर शादी से पहले औरतें दुबले रहते, शादी के बाद ही थोड़ा है ना, तो आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा भी दुबली थी। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलके जा रहे थे, जाते जाते क्या बोले, आयशा रनिंग करेंगे क्या, दौड़ लगाएंगे क्या, बोल के बोले, सुनो भाई मेरे तरफ गौर से देखो, इधर ही देखो, क्या बोले, बोलो, रनिंग कौन कौन कौन, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है चलो बोले, दोनों मिलके भाग रहे, कौन आगे निकल गए, आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा आगे, क्योंकि दुबली पतली थी, दौड़ते हुए चले गए, बहुत खुश हो गए, मैं जीत गई माशाल्लाह माशाल्लाह। और कुछ साल गुजरे, शादी के बाद थोड़ी मोटी हो गई, ठीक है ना, फिर अल्लाह के रसूल बोले एक दिन, आयशा आज भागेंगे क्या, हाँ देखो क्या, बोले ठीक है चलो, दोनों तय कर लिए, फिर दोनों मिलके भागे, अब आयशा रजी अल्लाह तआला पीछे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे, अब हार गई, हार जाने के बाद रुस के बैठ गई, हाँ नहीं मैं कैसा हार गई, तुम कैसा आगे निकल गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, आयशा तुम्हारे को याद है कुछ दिन पहले इसी तरह हम दोनों मिलके भाग रहे थे ना, जब तुम जीते थे ना तुम आगे निकल गए थे, अब मैं आगे निकल गया, दोनों अब हिसाब बराबरी हो गई ना, चलो चलो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ये एक दूसरे के साथ जायज ख्वाहिशात को पूरी करने का तरीका है। अब दलील मिल गई ना, चलो आप शाम में भागेंगे दोनों मिलके यहां से वहां तक, ऐसा नहीं करना, समझ रहे ना, हाँ जहां पर कोई नहीं देख रहे, मर्द नहीं है, समझ रहे कि काम बोले वहां शादिया में भागना शुरू करे, समझो फिर ये बड़ा मसला हो जाता, जहां पर शरीयत के हुदूद के देखते हुए वहां पर ये जायज ख्वाहिशात पूरी, कभी पार्क में चले गए, कभी जंगल में चले गए भाई पिकनिक के लिए, घर वाले सब मिलके गए, कोई भी नहीं है देखने वाला, वहां भागो, ठीक है ना, कभी घूमने के लिए चले गए, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां भी मसला, सास का बड़ा टेंशन, जो रुक लेके बहुत घूमता है उन्हें शुरू फिर ऐसा नहीं, सास के लिए चाहिए कि वो पूरा आजादी दे, मियां बीवी है, नया जोड़ा है, ठीक है भाई गलत नहीं कर रहा ना, गलत करे तो रोको, दूसरों के साथ घूमे तो वो टेंशन नहीं, बीवी के साथ घूमे तो टेंशन, ठीक है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज याद रखो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, वो एक बार हबशियों का खेल था, अल्लाह के रसूल आयशा रजी अल्लाह तआला को यहाँ पर कंधे पे सर रख के वो पूरा खेल दिखाए, जितनी देर देख के खुद आयशा रजी अल्लाह तआला बोली नहीं कि अल्लाह के रसूल बस अब घर को जाएंगे, उतनी देर अल्लाह के रसूल हिले भी नहीं, मतलब जायज ख्वाहिश थी, देखना था दिखाए। तो इसी तरह क्या है, आज बहुत सारे लोग नहीं तो औरत है घर में रहना, घर से नहीं निकलना, मैं बोले ऐसा सुनना, मैं काम भी घूम के आता हूँ लेकिन तू वहीं च रहना, ऐसा रह नहीं भाई, बीवी की जायज ख्वाहिशात है पूरी करो, ठीक है ना, अच्छे अखलाक से पेश आओ। अब जायज ख्वाहिशात में देखो, पैसे रहे तो जायज ख्वाहिशात पूरे पूरे होते, पैसे नहीं है तो ऐसा नहीं है। गरीबी, सबसे ज्यादा गरीबी तो हमारे सहाबा की जिंदगी में हमको मिलती, अल्लाह के रसूल की जिंदगी में हमको मिलती, लेकिन छोटी छोटी चीजों से भी एक दूसरे का दिल जीत सकते भाई। कभी मीठा खाना दिल बोला भाई, क्या करे, स्वीट होम में गए, एक पाव किलो स्वीट ले लिए, हम क्या करते, तोहफे जो लोगों को दिखा के देने का रहता ना, वीडियो शूटिंग में ऐसा पोजान देते हुए उसको क्या करते, अच्छा सजा के उसके नाम लिख के क्या बोलते, फॉर यू, किसी का नाम अगर फयाज है, फयाज फॉर यू, कौन दिए सुने, माई मेरा नाम, ऐसा लिख लेके जाते। हाँ अगर ये इस काम कभी घर में करे तो एक पाव किलो स्वीट का डब्बा लिए, उसको अच्छा सजा के वो एक स्टिकर चिपका देके, अगर नहीं भी चिपके खाली पेन से लिख देके, किसी की बीवी का नाम आयशा है, आराम से लेके आयशा फॉर यू बोल के बोले, बोलते ये नहीं बोलते, शादी के बाद नहीं बोलते, शादी के बाद नहीं बोलते, ये असल मसले है।